सकता हूँ। ये देखो कितनी लड़कियों को छुए होगे जाके ऐसे। लेकिन आज प्रिया जी बहुत सुंदर लग रही है। छूने लगता हूँ क्या? फ्रेंड्स को तो सभी को बोल दूं गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई आप सभी को मैं बहुत दिनों से बोल रहा था फ्रेंड्स मैं जाऊंगा प्रिया के लिए, मैं जाऊंगा और अभी फाइनली मैं लेने आ चुका हूं, तो जो है जान ही रही है। ठीक है झूठ बोल रहे हैं। वही तो कह रहे पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे ऐसे मैं छू नहीं सकता हूँ। मैं आगे छूने नहीं है क्या? नहीं है छोड़ो। फोन नहीं खरीद के जो मेरे फोन पे बैठ रहे हो। बहुत गर्मी है यार, जरा पंखा चला दो। मेरा पंखा ठीक कर दो। 50 रुपए। तो हेलो सर, तूने किया ना पंखा खराब रखे। लोगों ने देख ही लिया तो ये घर आए थे। ठीक है बहन घर आए जो भी हो, अब मैं इनको बोली ठीक है मैं चलूंगी। तो कह रहे फ्रेंड्स ये जाना ही नहीं चाहते। मैं बोली मैं चलूंगी तो कह रहे फ्रेंड्स ये जाना ही नहीं चाहते। जब आप ले ही नहीं जाना चाहते तो मैं जाऊंगी कहाँ से हैं? और हाँ फ्रेंड्स इन्होंने बोला कि तुम तैयारी करके रखो मैं आऊंगा। तो ये देख लीजिए मैंने कपड़े वगैरह भर के रखे हैं झोले में ताकि वो आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। रफ्रीत की कुछ जरूरत के सामान मैंने अपने सूट वगैरह एक दो रखे तो रख लिया मैंने। मैंने सोचा कि चलो ये बोल के गए हैं कि मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी से पता नहीं कितने घंटे भी इतने गुजारे अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है फ्रेंड बोले मैं ट्रक बुलवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड देखिए ये खाने की बात आई। ये इन्होंने बोला तुमने खाना बनाया तो मैंने बोला मैंने खाना नहीं बनाया। उसने पूछा दीपू से खाना बना था, उसने बोला हाँ। अब बच्चे को क्या पता। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने जिन लोगों ने भी पूरी ब्लॉग देखी अगर आप लोग समझदार हो गए, अगर मेरे घर में खाना बना होता भगवान कसम मैंने खाना नहीं बनाया, भगवान कसम बनाई थी। मैं पीछे से मांग के लेके एक रोटी वो भी एक किसी भिंडी की सब्जी वो भी मैं रफ्रीत के खिलाने के लिए रोटी और सब्जी क्योंकि सुबह से नहीं खाया था। मैंने सोचा इसको खिला देंगे तो इसने खाया नहीं तो जो बचा मैंने खा लिया। तो इसमें बताइए मेरे फ्रेंड मेरी कहाँ से बुराई है और मैं इनको कहाँ से ये जो कह रहे हैं कि इसने मैंने इससे बोला इसने आज तक मैं इसके घर में खाना। अरे उस मुंह से उस ढंग से आओगे खाने के लिए फिर रहने के लिए तभी तो इंसान तुम्हें खाने को देगा। दूसरी बार दीपू से पूछा उसने सीधे बोल दिया कि हाँ बना था। तो अब फिर उस बच्चे को क्या पता क्या बना था नहीं बना था, अपनी मर्जी से ऐसे ही बोल दिया, तुक्के से ही बोल रहा है। चलिए वो बच्चों का दिमाग बच्चों जैसा तो बच्चों की बातों पर इंसान को कभी नहीं जाना। बच्चा बहुत कुछ बोलता था, बच्चों की बात पर हम चले जाएंगे तो इंसान के रिश्ते ऐसे ही खराब हो जाएंगे। उसके बाद फिर लाइव में आके चलो अपना लाइव भी आए वीडियो में मैंने लाइव आई ना मैं वीडियो बनाई मैं कुछ नहीं बनाई। मुझे बनाने का शौक भी नहीं है। ठीक है जैसे ये आके मेरी और हाँ मेरे घर में आग लग गई थी। आग ऐसे लग गई रफ्रीत ना पंखे को खींच रहा पूरा पूरा तार उसी में धुआं सा निकलने लगा। अब ये बच्चा इसको क्या पता फ्रेंड जब मन होता अपना मुंह ठाक चले हैं लाइव बना लिए वीडियो बना लिए चले गए यहाँ से। अरे जिस मुंह से बोलते हो जिस मुंह से तुम कहते हो उस मुंह से उसी बात पे अटल भी रहना चाहिए इंसान को। कहते हो कुछ और हो करते कुछ और कोई बात बोल दो वीडियो में तो बुरा मान जाते हैं फ्रेंड। मतलब ना अच्छे में हाँ ठीक है ना बुरे में ठीक है मतलब किसी चीज़ में मतलब खुशी नहीं है। तो यार इतना करो जितना चलने वाला हद से ज़्यादा इंसान को बहुत बुरा लगता है। ठीक है फ्रेंड ऊपर से काम के ना काज के दुश्मन अनाज के वही हाल है इनका। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के मतलब आए भी जिस तरीके से तो मतलब ऐसी हालत करते हैं फ्रेंड सच्ची दिल से बताऊँ ऐसी हालत करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बेटू मत कर ऐसे गिर जाएगा ट्रैपोर्ट बाबू हाँ गिर जाएगा। ऐसी हालत करते हैं फिर लाइव में कह रहे हैं मैं तेरा बच्चा लेके जा रहा हूँ उसे में भी बुराई। जैसे रोने लगा तुरंत गोद में मुझे पकड़ा दी बच्चा लेना तो आता नहीं बड़ा है मेरे बच्चा लेने के लिए। करना धरना कुछ नहीं होता लेकिन उछलते बहुत हैं ये सच्ची दिल से बताऊं फ्रेंड। तो बार बार ऐसे हाथ धर रहे हैं ऐसे करके हाथ मेरे गले पे धर रहे हैं क्या मतलब बनता है प्यार जताने बढ़ाए हैं तू मैं ये करने के लिए बाहर चले जाते जब लड़कियों के फेरे में पड़े तब तुम्हें मेरी
तो याद आती नहीं थी, अब इनको मेरे से कह रहे तुम पुरानी बातें याद करते। मैं पुरानी बातें नहीं याद, मैं चलिए उन लड़कियों के नाम भी पता है, मैं कोई पुरानी बातें नहीं, ये रियल बात है फ्रेंड्स। नहीं 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 सोना नहीं, ऐसे नहीं करते, नमकीन खा ले बाबू, नहीं करते ऐसे, ये रियल बात है फ्रेंड। जो करते कुछ अच्छा थोड़े, बहुत गलत करते हैं, अरे कम से कम ढंग से रहो। आ जा, लेना तो आता नहीं, बच्चा 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 लेने आए हैं बहुत। इसको कृष्ण जी बनाई थी फ्रेंड, देखिए वो वीडियो मैं इस चैनल पर डालती हूँ, अपने छोटे वाले चैनल पर जहाँ भी डालूंगी आप लोग देख लेना। यशोदा का नंद लाला, यशोदा का नंद लाला, करना धरना कुछ होता नहीं, खाली मुंह बगाड़ बगाड़ के बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। वो कहते नहीं है कि इंसान को बैठे बैठे खाली दिमाग शैतान का, तो वही हाल है इनका। काम धंधा होता नहीं है कुछ, बस खाली दिमाग चलाने के लिए आ जाते हैं। यार फ्रेंड देखिए, थोड़ा सा इंसान को सोचना भी चाहिए कि चलो मतलब कि ऐसे हम कर रहे हैं, बुरा भी लगता है, हमें भी बुरा लगता है, तुम आते वीडियो बना लिए अपना चले गए फ्रेंड। और बोलते हो खाने के बारे में, खाना इंसान, मुझे ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब कि मुझे खाना बनाने में दिक्कत, मैं जब घर में रहती थी इनके साथ रात में दो दो एक एक बजे मैं इनको खाना बना के खिलाई, आप लोग ब्लॉग देख लीजिएगा फ्रेंड, अभी भी वो वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, फेसबुक पे भी पड़ी है, आप कहीं पे जाके देख लेना। इनको रात रात को मैं खाना बना के खिलाती थी, मैं कोई पागल हूँ, मैं दिन में भी पूरी रात नींद हराम होती थी, बच्चा था छोटा छोटा बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है, आप लोग खुद बताना फ्रेंड, एक छोटा बच्चा संभालना कितना मुश्किल होता है। मैं हमेशा इनके लिए कपड़े, देखिए मुझे काम कितना होता था फ्रेंड, इनके कपड़े धोना, रपरीत के कपड़े धोना, मेरे खुद के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, खाना बना के देना, ये काम अलग कहोगे, फिर बच्चा संभालना, उसी में बच्चा भी संभालना है, बच्चे की केयर अलग करनी है, और उसी में इनको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसमें भी हम बैठे नहीं रहते थे फ्रेंड, फिर मुझे वीडियोस भी बनानी है, वीडियोस को एडिटिंग भी करनी है, उसे एक्सपोर्टिंग भी करनी है, फिर थंबनेल भी बनानी है, फिर ऊपर से सुबह उठो फिर अपलोडिंग भी करनी है वीडियो, फिर मुझे सुबह लेट उठी उसके लिए भी सुनना पड़ा। तो फ्रेंड बताइए मेरी ज़िंदगी में कहाँ से रेस्ट है, वो किसी भी लेडीज़ की ज़िंदगी में, किसी भी लड़की किसी भी के भी ज़िंदगी में नहीं, सभी के घर घर की कहानी है, काम होता है, तो इंसान को सोचना भी तो चाहिए कि काम होता है, थोड़ा हम दुख दर्द को समझें, तो नहीं वो चीज़ बिल्कुल है ही नहीं, दुख दर्द समझने वाली कोई बात ही नहीं, नहीं काम तो करती क्या है, तू करती ही क्या है, बस यही बात। पर से आए जो मर्जी हो, इन्होंने अपनी मर्जी एक 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 सिर्फ अपनी सफाई दे दिया, मुझे बोलने ही नहीं देते थे, और ऐसे भी मैं फ्रेंड ज़्यादा बोल भी नहीं रही थी। कहाँ जाएगा कहाँ चढ़ेगा ऊपर, ये देखिए पीछे स्टंप के सुखा रही, ये देखिए देखिए आप लोग ये देखिए देखा, कहाँ जाएगा किधर जाना है, किधर जाना बच्चों नु, यहाँ बैठना मम्मा कंधे पे, हाँ मम्मा कंधे पे यहाँ कुछ यहाँ पे घुस चुकी हूँ, कुछ लू राम कुछ लू राम, मैं इसको बहुत प्यार करूँ, इसको बहुत प्यार करूँ मैं, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे जिगरा है, टीका लगा के कहाँ जो रोता, आज है आ, आ, ये आज तो मैं वीडियो बना रही फ्रेंड, जन्माष्टमी ना आप सभी को पता है, हैप्पी जन्माष्टमी है, है, है। राधे राधे चप्पो चले आएंगे बिहारी राधे, मेरा बेटा दिल का टुकड़ा, मेरा सोना, मेरा जिगरा, मेरा जोन, मेरे प्राण, मेरे सब कुछ है, मेरा मम्मा ने किसी को कितनी पुच्ची कर ली मम्मा ने, इतनी छोटी पुच्ची, इतनी
करने का मन करो तो शराब पैर करो छोलो पैर करो मेरा दिल का टुकड़ा है ये देखो मेरे दिल के टुकड़े को मम्मा ने कितना प्यार किया किया मम्मा ने प्यार किया किया मम्मा ने प्यार इसको मम्मा ने ढेर सारा प्यार किया इसको गुदी गुदी लगाओ रे बोलो मेरा सोना मेरे बाबू मेरा जिगरा मेरा बिगरा इधर नमकीन बैठ के खा बहुत प्यारी होगी खा नमकीन आज खाना भी नहीं बनाया फ्रेंड्स भूखे हैं रपरी दिन अभी वही जो एक रोटी खाई है वही मांग के इसको कुछ भी कर दो ये गुचलू गुचलू करता ही रहेगा ये सिर्फ रोता रहेगा इसको शर्म नहीं ओए क्या हुआ बाबू ये टीका इसको ऐसे जो लगाया था ना फ्रेंड्स वीडियो बना रहे थे इसलिए अरे मतलब वही कृष्ण जी बनाया था आ जा तुरंत उड़ के आता इसको उड़ना आता है खाली उड़ना डाइपर वाला बच्चे डाइपर वाला खाली डाइपर पहन पहन के रहता है इसको मारो रे कोई इसको मारो कितना प्यार करो फिर भी कम है कुछ दिन भर मम्मा इसके में लगी रहे दिन भर लगी रहती इसको भूख लग गई ओए मुलगा खाएगा मुलगा जीवन खाएगा आज जन्माष्टमी है कौन खाता है आज के दिन बता आज के दिन कौन खाएगा मुलगा खाएगा मच्छी खाएगा अंडा खाएगा शर्म नहीं आती तुझे हैं आज के दिन कौन खाता है कृष्ण जी मारेगा भी तुझे कृष्ण पिट्टी करेगा तेरा पिट्टी करेगा आज के दिन भी जो प्रीत ने खाया आज के दिन भी खाया इसको शर्म नहीं आई आज मेरा बर्थडे है मेरे बर्थडे के दिन क्यों खाया तुमने मुर्गा क्यों खाया चिकन बता बता सभी को सभी ऑडियंस को बता तू चिकन खाएगा देखो देखो इसको वो देखो इसको गुब्बारा हम बोल देखो चल वीडियो बंद कर इसका पैर इतना हो गया मेरा मुंह दर्द होने लगा चलिए फ्रेंड्स बाय बाय सभी को लव यू ऑल और आप लोग को मैंने सफाई दे दी थी जो मुझे देनी थी वो सफाई ये थी कि मैंने खाना घर में नहीं बनाया था लेकिन इन्होंने मुझे झूठ बोला और बोले लेने आऊँगा अभी तक नहीं आए चलो कोई बात नहीं लेने आओ ना कोई बात नहीं चलो हर चीज़ का सब्र होता है हर चीज़ का धैर्य भी होता है तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ बाय बाय और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रपरीत प्रिया 727 जाके फॉलो कर दीजिए बाय बाय सभी को